हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो ये ब्लॉग जो आप देख रहे हो पिछले ब्लॉग के बाद से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसी दिन पे है। और पिछला ब्लॉग भी मैंने यहीं पे एंड किया था क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो रहा था पिछला ब्लॉग, इसलिए अब ये ब्लॉग के बाद से ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो दिन है आज, मतलब 30 जनवरी की है, 30 दिसंबर की है। और जैसा पता है पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि हम लोग न्यूक्लियस मॉल घूमने गए थे, उसके बाद ये पार्क आए थे, तो अब पार्क से हम लोग निकल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, खाना मतलब फास्ट फूड वगैरह ये सब हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर ही, सरस मेला लगा है रांची में, तो उसी के बाहर में ये फ्लावर वगैरह सब बहुत मतलब बिक रहे थे। तो और यहाँ पर ये डॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए ही ये वीडियो बना दिया था। तो यहाँ रांची में सरस मेला लगा था, अब तो मेला ख़त्म हो चुका है, 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक वो मेला लगा था। तो वहीं पे हम लोग आ गए, मैं काउंटर पे एक मतलब टिकट लाइन में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा, 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक ये मेला चला था रांची का, सरस मेला, खादी मेला। तो ये मेले के बाहर का व्यू है, बहुत ही अच्छा, मतलब अभी टाइम 5 या 6 ऐसे बज रहे थे। और देखिए मैं लाइन में खड़ी हूँ टिकट लेने के लिए, हस्बैंड पहले गए थे पर जेंट्स वाली लाइन नहीं बहुत लंबी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, लेडीज़ वाली लाइन थोड़ी सी कम है, तो मैं गई थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है, तो 10 रुपये की ये टिकट थी, एंट्री टिकट। तो हम लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए हम लोगों ने ले लिया है। तो अभी इस टाइम पे देवर देवरानी लोग भी आ चुके हैं सुबह से, तो हम दोनों बच्चों को और हम लोगों को देख रहे थे, हस्बैंड मुझे और दोनों बच्चों को। तो अभी वो लोग आ चुके हैं, वो लोग का काम ख़त्म हो चुका है, तो हम 6 के लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है। और दोनों बच्चे, ये इसे क्या बोलते हैं ना, मुझे नाम इसका नहीं पता, तो आयुष मुझे वहाँ पे खिला रहा था। तो बस मेले में हम लोगों ने एंट्री ले लिया है, और ये रहा पूरा व्यू, मैं आपको पहले दिखा दे रही हूँ। बहुत बड़ा मेला था, बहुत बड़ा था, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तक तो ख़त्म हो चुका है। और यहीं पर एंट्री में ही बहुत सारी झांकियाँ बनाई गई थी, मतलब झोपड़ी टाइप की, ये टाइप को, तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का ही मतलब समझ सकते हो, बहुत कोई खड़े होकर फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और ये चारों तरफ का व्यू है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे क्या है मेला। और बहुत बड़ा मेला लगा था, तो बस यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेला में जाने के लिए। तो पहले ही सबसे पहले जो लकड़ी के बने हुए पलंग है, सोफ़ा, ये सब मतलब पहले जितने भी लकड़ी के सामान लगे हुए थे पहले वहीं सबसे पहले में, क्योंकि ये सब इनको तो अधिक स्पेस चाहिए होता है, इसलिए बहुत बड़ी एरिया हम देख सकते हो, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी। और उसके बाद जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ डोरमेट, कालीन, ये सब यहाँ पे बहुत बिक रहे थे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। सच में देखकर तो मन करा था कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था कि आप ना लेने से रुक सको, मतलब ना लो, पर हम लोग ऐसे ही सब घूमने के लिए गए थे, मैंने तो लिया कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे कल मैं फिर अब रांची से रिटर्न आने वाली हूँ, बाय ट्रेन आने वाली हूँ, तो मैं कितना सारा मतलब खरीदूँगी। तो बस ये देख सकते हो बहुत सारी शॉप लगे थे, बहुत सारी, मतलब मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है, देख कर तो लग रहा था बहुत ही है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कि उतना तो पूरा मेला मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। और थोड़ा सा जब आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर जूतियाँ जो होती है ना, जूती, लेडीज़ जूती होती है, वो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी। तो मुझे तो देखने में तो सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, फ्लैट वाली थी, थोड़ी सी हील वाली थी, पर मैंने ट्राई भी किया, मैंने सोचा मैं लूँगी ये हील्स वाले, मैं लेने गई थी, पर मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, पर जिसे लेना वो तो किसी को ले भी सकते पसंद आए, पर मुझे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पर जब आगे बढ़े तो बच्चे को ये दिख गया, तो बच्चे अब कहाँ मानने वाले, उन लोगों को बस ये घूमना ही है। तो वहीं पर हस्बैंड टिकट ले रहे हैं दोनों बच्चों के लिए, मैं मना भी कर रही थी कि ये मत करो क्योंकि पार्क में ऑलरेडी सब ने बहुत खेला है और पैरों में दर्द हो जाएगा, पर बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, उन लोगों को क्या है कि रात में पैरों में कितना दर्द होने वाला, हम लोग समझते हैं कि हाँ हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं तो शायद रात में हमें दर्द होगा, पर बच्चे सुनने वाले हैं नहीं, फिर से वो लग गए यहाँ पर खेलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल तो फिर हम लोग चले ही जाने वाले हैं। तो दोनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया पर फिर भी उन लोगों का मन नहीं माना। फिर हम लोग आ गए खाने वाले स्टॉल की तरफ, इधर एक साइड पूरा मेला में ना, एक साइड में पूरा खाने के स्टॉल लगे हुए थे, सभी तरह के, जिस तरह का भी खाना पसंद करोगे, सभी चाइनीज़, मद्रासी, मतलब होता है ना खाना का बहुत वेराइटी थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए, तो भैया को वहाँ चाय, मतलब हम जब पहुँचे तो चाय ख़त्म हो गई थी, फिर भैया ने जल्दी जल्दी चाय बनाया,
तो चाय सच में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी, और प्योर दूध की चाय बनी थी। तो ये 20 रुपये की चाय थी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना कुल्लर, तो वो 20 रुपये की थी। और ये वाला एक मतलब केसर वाला दूध है जो कि बहुत गाढ़ी सी दूध है, मलाई मार के वो वाली दूध है। तो मैंने ये अभी के लिए लिया था, पर वो फुल था इसलिए वो नहीं खा पा रहा था, तो मैंने ऊपर का थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। और फिर कुछ खाने पीने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, मतलब पूरा मेला तो हम लोगों ने कवर नहीं किया, मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाई थी। फिर ये जब बाहर निकले तो यहाँ पर धागे सूता कैसे बनता है ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहे थे, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लग रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये वीडियो बना लिया। तो देखिए सूता धागा सभी तरह के सूते, तसर सूते मतलब सूत जो होता है ना वो धागा, बहुत तरह की वैरायटी कैसे बनता है, कैसे क्या क्वालिटी है, सब चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा था। सब सब सूता जाएगा, देखो अब यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा कि सूता वगैरह कैसे बन रहा है, मतलब धागा कैसे बन रहा है, तो बहुत सारी प्रोसेस यहाँ दिखाई गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कीड़े से, जो कीड़ा का अंडा होता है या क्या है पता नहीं ये वाला, तो इसे मतलब इंसानों के द्वारा निकाला जा रहा है सूता, देखिए। और फिर यह मशीन पे फिर कुछ काम हो रहा है, तो सबका प्रोसेस अलग अलग था। तो सभी यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर देख रहे थे कि कैसे, मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे अंडा बनता है, कीड़ा बनता है, कीड़े से फिर क्या क्या प्रोसेस होता है एक सूता मतलब धागा को बनने में, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस यहाँ पर दिखाई गई थी। तो देख सकते हो सभी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेड़ पौधे में भी सब मतलब झांकियाँ मतलब दिखाई गई थी कि पेड़ में जब कीड़ा रहता है तो कैसा रहता है, फिर अंडा बनता है, वो सब प्रोसेस यहाँ दिखाई गई। और यहाँ पर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर लट्ठी बन रही थी, लट्ठी के चूड़ी कंगन जो होते हैं ना वो सब यहाँ पर बनाने मतलब प्रोसेस भी दिखा रहे थे, और यहाँ पर बिक्री भी हो रही थी। तो मैंने सोचा ये सब आप लोगों को भी दिखा दें, क्योंकि हम तो मार्केट में जाते हैं रेडीमेड खरीद कर ले आते हैं, डब्बों में बंद रहता है, पैकेटिंग पैकेज रहता है, वैसे हम लोग ले आते, पर ये बनता कैसे ये सब चीज़ें देखने लायक होती हैं। ये कैसे जोड़ा है ये वाला? 100 जोड़ा है या 4 पीस का है? जोड़ा है। तो फाइनली हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही मेला घूमा, बहुत नहीं घूमा, और इसलिए मैं आपको पूरा मेला नहीं दिखा पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी मेली है। सच में ये बहुत बड़ा मेला था, मतलब हम लोगों ने तो पूरा घूमा भी नहीं क्योंकि रात हो गई थी, अब हम लोग घर भी जाने वाले थे। और यहाँ पर हमारे देश का 75 ईयर्स मतलब हो चुका है आज़ाद हुए, तो वो वाली मतलब प्रदर्शनी में मनाई गई थी। और यहाँ पर हम लोग अब जाने ही वाले हैं, तो अबीर को मन हो गया है फ़ोटो मतलब लेने का, अब जाके उसे मन हुआ है, पहले बच्चों का मन नहीं हुआ, मतलब होता है ना बच्चों का मूड कब चेंज हुआ है पता नहीं। तो अब वो अपने पापा से जिद कर लगा कि मेरी फ़ोटो लीजिए, तो वो लोग थोड़ा उधर बिजी हैं, तब तक मैं आपको थोड़ा इधर भी दिखा दूँ अच्छे से। तो बस अब हम लोग का जाने का टाइम हो चुका है, तो आज हम लोगों ने बहुत घूम लिया, मतलब एक ही दिन में 3 जगह घूमा था, पर ब्लॉग आपको मैंने 2 भागों में
दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। एक दिन वाला ब्लॉग दो एक ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग एक ही वीडियो में नहीं हो रहा था। मेला तो अंदर भी बहुत अच्छा है सजाया गया था, बाहर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। बाय बाय। तो फाइनली अब हम लोग अपने कार में बैठ चुके हैं घर जाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत थक चुके हैं, हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, और मुझे भी कल यहाँ से अब रांची से घर जाना है। तो इसका ब्लॉग आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि घर जाने में भी शायद 15-20 मिनट आधे घंटे लग जाएंगे। तो रात हो चुकी है, तो वीडियो का भी एंड यहीं पर कर देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।